In an examination, 54% of a candidate passed in science, 42% failed in math, and 32% failed in both subject. What is the percentage pass in both subject? Okay, सबसे पहले इसके लिए आपको दो गोले खींचने हैं. ये गोले मैंने खींचे और एक गोले मैंने ओके तो मेरा गोले हो गया है. ठीक, अब बोला जो 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जो बोथ सब्जेक्ट में हुआ ना वो लिखे, तो 32 जो हुआ है वो बोथ सब्जेक्ट में हुआ है. इसको साइंस ले लेते, इसको मैथ ले लेते. ओके, अब बोल रहा है अब सबको फेल्ड निकालना है आपको, क्योंकि आपने बीच में फेल्ड रख दिया है, तो सब तीनों में फेल्ड निकालना है. तो इन एन एग्जामिनेशन 54 कैंडिडेट हुए पास इन साइंस, तो 54 साइंस में पास हुआ, तो 100 में 54 पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा? ऑब्वियसली 100 माइनस 54 कितना हो जाएगा आपका? 46. ओके, 46 तो आ गया, लेकिन 46 में 32 आपका फेल्ड है, मतलब दोनों के बीच में, इसीलिए इसको 32 माइनस कीजिए. तो कितना आ जाएगा? 6 में 2 गया 4, और यहाँ पे 1, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 14. ओके, वो इसी तरह से मैथ में क्या बोला है, 42% फेल्ड इन मैथ. मैथ में कितना फेल हुआ है? 42 फेल हुआ है मैथ में. तो 42 फेल हुआ है, 42 में आपको 32 माइनस करना है, जो बीच में आया 32 उसको माइनस करना है, ऐसे 0 और ये 1, तो मैथ में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. ओके, इतना समझ में आ गया आपको. अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट. पास जो हुआ है वो बोथ सब्जेक्ट में क्या है? ये तीनों तो फेल है, तो सबसे पहले ये तीनों को ऐड कर लेते, कितना हो जाएगा आपका? तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 56. ओके, ये 56 जो आया ये सब फेल है. ओके, अब पास कितना है वो आराम से निकाल सकता हूँ मैं. 100 में 56 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 46. जो 46% आया वो सब पास है, जो कि मेरा आंसर है. ओके, 46%. थैंक यू.